घर छोड़ के जाओगे घर बनाने के लिए तो अच्छी बात है। अच्छा, तो उसी की तैयारी में जा रहे हैं कि बिहार छोड़ के जा रहे हैं बिहार को कुछ देने के लिए। कब तक उम्मीद है चले जाएंगे बिहार से आप? ऐसे भगाने के लिए भगाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, कब तक? देखिए चीज़ें सेटल हो रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली मई के लास्ट मंथ डे तक चले, मई के लास्ट मंथ तक निकल जाएंगे यहाँ से। कभी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरे थे कि नहीं? तैयारी किया था। अच्छा, बट फॉर्म भरते आने उस वक्त तक आने तक कुछ और ही प्रिपरेशन चालू हो गई। अच्छा, तो कभी वैसा रहा नहीं। एनडीए के लिए भरा था। अच्छा, एनडीए के लिए भरा। हाँ। मतलब इतिहास लिखा गया, बैंक, एसएससी, रेलवे, आपने फॉर्म नहीं भरा? नहीं, एनडीए के लिए भरा था और भरने वाला, लाइक प्रिपरेशन 2 साल करोगे तभी तो आप फॉर्म भरने के काबिल भी बनोगे। अच्छा, तो प्रिपरेशन करता था बट उसके प्रिपरेशन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ही चीज़ें मोल्ड हो गई और एक्टिंग में आ गए। अगर दिल टूटता है तो यू यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, तो हमको यही लग रहा था आपका दिल टूटा इसीलिए उसके ऊपर में वीडियो बनाते हैं। नहीं, डोंट मेक अ र्यूमर कि दिल टूटने से यूपीएससी की निकलता है, पढ़ाई करने से निकलता है भाई। पढ़ो लिखो, दिल लेके मत तुड़वाने चलो कि निकलने के बाद इंतकाम, वो वैसा नहीं होता है। उन लोगों का कभी यूपीएससी नहीं निकलता जो इंतकाम लेने के लिए यूपीएससी में भर्ती होते हैं। आपके वीडियो में भी रहता है इंतकाम लेने की, वो स्टोरी है, ठीक है, वो ड्रामेटाइज चीज़ों करके दिखाया जाता है। इंफोटेनमेंट काम करते हैं तो थोड़ा इंटरटेनमेंट होता है, थोड़ा इन्फोटेनमेंट होता है, तो वो चीज़ें सिनेमेटिक लिबर्टी होती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है दिल टूटने से यूपीएससी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है यार। हाँ, थोड़ा धक्का लगता है तो प्रिपरेशन ज़्यादा मेहनत से करते हो, तो वो चीज़ है। आज जो हमारे साथ शख्स जुड़े हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरे बिहार का बच्चा बच्चा इनको जानता है। और बात यह है कि इन्हें वायरल कलाकार के नाम से जानता है लेकिन इनका नाम है उज्ज्वल श्रीवास्तव। बाकी मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहता हूँ एक कलाकार की ज़िंदगी और एक आम जिंदगी में क्या अंतर आपको दिखता है, क्योंकि आप अभी एक कलाकार हो गए हैं, सेलिब्रिटी हो गए हैं, क्या दिखते हैं आपको अंतर? एक आम इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जीता है, उसी के लिए जद्दोजहद मेहनत करता है। अच्छा। और एक कलाकार बहुत लोगों की ज़िंदगी जीता है, बहुत किरदारों की ज़िंदगी जीता है, चाहे आपको डॉक्टर की ज़िंदगी जीना हो, इंजीनियर बनना हो, पुलिस बनना हो, तो एक कलाकार ही ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी तो जीता ही है और भी जितने तमाम तरह के पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी भी ज़िंदगी जीता है। तो ये ख़ास बात सिर्फ कलाकारों में ही होती है। आपकी उम्र अभी कितनी है? अभी 24 साल। 24 साल, इस उम्र में अक्सर आप देखते होंगे जो युवा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इवन अभी बीपीएससी एग्ज़ाम आप तो देख ही लिए होंगे, इस तरह की तैयारी करते हैं, लेकिन ये इस फील्ड चुने, कलाकार की फील्ड चुने और उस फील्ड में जा रहे हैं। बाकी आप कौन सा मोटिवेशन था आपने उधर को छोड़ करके इधर आ गए? परिवार, ये सब इतना प्रेशर होता है आखिरकार बच्चों के ऊपर में, क्या कहना चाहते? नहीं देखिए, कलाकार को बनने के लिए ऊपर से ही ऐसा कनेक्शन आता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। और कलाकारी और रेवोल्यूशनरी तो यार बचपन से होते हैं। अच्छा। जब भगवान ने दिया नहीं होता है कि उस एज में बोलो, तो हम बोलने का ट्राई करते हैं। जिस एज में हमारे पैर हाथ काम नहीं करते हैं उस एज में हम चलने का, हाथ मारने का ट्राई करते हैं। तो यही है कि ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। अगर आप इंजीनियर भी बनोगे तो आपका अपना स्ट्रगल होगा, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और उस तरीके से वो अपना सॉल्यूशन ढूंढता है और सफलता पाता है। मेरे साथ भी है, बट कैसे हो गया ये मुझे आज तक से रहस्य लगता है और शायद ये नेचर का कनेक्ट है कि करते चला गया और होते चला गया। बाकी मम्मी पापा कोई प्रेशर नहीं थी आपके ऊपर? पहले होता था, हर माँ बाप चाहता है कि उसका लड़का कुछ अच्छा ढंग का करे, और अगर कला में वो ढंग का करे तो ठीक है, ढंग का करे ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ करे इम्पोर्टेंट। क्या अब लग रहा है जो सरकारी नौकरी जो ले ली है आपकी, जो गांव अगल बगल में, और आप जो कलाकार, आपके पास 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, दोनों की जो कंपैरिजन की जाती गांव में, ऐसे कंपैरिजन किया जाता, क्या आपको लग रहा है कौन बड़े में आते कंपैरिजन के रूप में? देखिए, लोग ऐसे कंपैरिजन करता है बट ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब मेरी मेहनत है, उनकी मेहनत उनकी मेहनत है, उनकी सफलता उनकी मेहनत से है, मेरी सफलता मेरी मेहनत से है। तो किसी के लाइफ की समस्याओं से किसी को जज नहीं करना चाहिए और कंपटीशन उससे नहीं होना चाहिए कि जैसे मैं अगर कलाकार हूँ तो मुझे मैंने क्या मेहनत किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं किया होगा। गांव में लोग देखते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये बन गया। देखिए होता क्या है ना, सिंपल सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा करते हैं, यू आर नाइस, बट आप लोगों की ज़िंदगी में जब अच्छा करते हैं तो यू आर द बेस्ट। और यही कलाकारों के साथ थोड़ा प्रिविलेज मिल जाता है कि हम दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी काम कर रहे होते हैं, दूसरों की ज़िंदगी भी इंस्पायर कर रहे होते हैं। हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बनाते बल्कि थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ देते हैं कि आप खुद की ज़िंदगी कैसे बना सकते हैं, तो थोड़ा तो चलते रहता है। एक चीज़ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अभी अगर आपको कोई ऐसा ऑफिसर या ऐसा कोई आ जाए जो सीजीएल का जॉब आपके पास आ जाए, जो आइए ज्वाइन कर लीजिए, तो क्या आप कलाकारी छोड़ करके उस तरफ जाइएगा? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मजाक थोड़ी है कि कोई लेके चला आए और नहीं, मतलब अगर ऐसा आ जाए आपके पास ऑप्शन मिल जाए। नहीं, ऐसा ऑप्शन
सीजीएल की जॉब में कह रहा हूँ। देखिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, मतलब वो प्रिपरेशन होता है और रिजल्ट होता है। अच्छा, ऑप्शन कुछ है ही नहीं ऐसा कि कोई आ जाए, ऐसा नहीं है। मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ और मैं पूरी ज़िंदगी बस यही करना चाहता हूँ। अगर सो कॉल्ड ड्रामेटाइज चीज़ों को करना है कि भाई अगर आपको दे दिया जाए भगवान की शक्ति कि आप सीरियल में चले जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे अपना काम बहुत प्यारा है और मैं अपना काम। एक चीज़ और पूछ लेता हूँ इससे रिलेटेड, कभी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरे थे कि नहीं? तैयारी किया था। अच्छा, बट फॉर्म भरते आने उस वक्त तक आने तक कुछ और ही प्रिपरेशन चालू हो गई। अच्छा, तो कभी वैसा रहा नहीं। एनडीए के लिए भरा था। अच्छा, एनडीए के लिए भरा। हाँ। मतलब इतिहास लिखा गया बैंक, एसएससी, रेलवे, आपने फॉर्म नहीं भरा? नहीं, एनडीए के लिए भरा था और भरने वाला, लाइक प्रिपरेशन 2 साल करोगे तभी तो आप फॉर्म भरने के काबिल भी बनोगे। अच्छा, तो प्रिपरेशन करता था बट उसके प्रिपरेशन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ही चीज़ें मोल्ड हो गई और एक्टिंग में आ गए। आप अक्सर वीडियो बनाते हैं उसमें इसके यूपीएससी ज़्यादा रहता है, क्या बात है? यूपीएससी से ज़्यादा लगाव है? आप उस यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे क्या कोई ऐसा? प्रिपरेशन करते थे राइटर साहब हमारे। अच्छा, तो उनको ज़्यादा लगाव था, मुझे भी लगाव था बचपन से, मुझे भी बनना था ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ जाना था, करना था। और इश्क तो यार यूपीएससी से ही होता है, यूपी बिहार झारखंड के लोगों को, तो इसलिए दैट्स हाउ वी थॉट कि हमारे तरफ कहा जाता है यहाँ पर अगर दिल टूटता है तो यू यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, तो हमको यही लग रहा था आपका दिल टूटा इसीलिए उसके ऊपर में नहीं डोंट मेक अ र्यूमर कि दिल टूटने से यूपीएससी की निकलता है, पढ़ाई करने से निकलता है भाई। पढ़ो लिखो, दिल लेके मत तुड़वाने चलो कि निकलने के बाद इंतकाम, वो वैसा नहीं होता है। उन लोगों का कभी यूपीएससी नहीं निकलता जो इंतकाम लेने के लिए यूपीएससी में भर्ती होते हैं। आपके वीडियो में भी रहता है इंतकाम लेने की वो स्टोरी है, ठीक है, वो ड्रामेटाइज चीज़ों करके दिखाया जाता है, इंफोटेनमेंट काम करते हैं तो थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है, थोड़ा इंफोटेनमेंट होता है, तो वो चीज़ें सिनेमेटिक लिबर्टी होती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है दिल टूटने से यूपीएससी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है यार। हाँ, थोड़ा धक्का लगता है तो प्रिपरेशन ज़्यादा मेहनत से करते हो, तो वो चीज़ है। तो हर वीडियो में आप लास्ट में इमोशनल कर देते हैं अपने दर्शकों को, क्या बात है? उसकी कोई रहस्यमय है या कोई ऐसा कहानी है जो आप बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, इमोशनल कर देते हैं? कहानी वही पूरी होती है भाई जिसमें सब कुछ हो। अच्छा, हास्य हो, मतलब करुणा हो और भावनात्मक चीज़ें हो। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वीडियो फुल पैकेज होता है, पहले हंसाना, फिर इंफोटेन मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देना, फिर उसके बाद हर्ट मेल्टिंग, हर्ट टचिंग फील के साथ ख़त्म करना, एक सेटिस्फाइंग जोन। मैं चाहता हूँ कि अपने सब्सक्राइबर को वीडियो ख़त्म होने के बाद लगे कि ये 8 मिनट या 10 मिनट का वीडियो वर्थ क्रिएट किया मेरे लिए, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो वो एक दिल में लगने के लिए चीज़ें वैसे होती हैं। हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ बदल चुके हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एक चीज़, आप एक बार स्टेटस पे लगाए थे इंस्टा स्टेटस पे, जो मकान मालिक रूम में अगर लड़की आ जाती है शूटिंग को लेकर के आपने लगाया था, क्या लगता है आपको अभी भी नैरो माइंडेड लोग हैं हमारे सोसाइटी में? उनको नैरो माइंडेड नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर ये कहेंगे कि जो लोग वैसा एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं, कहते हैं ना कि जूनियर जो होते हैं सीनियर से सीखते हैं, और जो आसपास के लोग होते हैं वो पहले के रहे लोगों से प्रभावित होते हैं। तो ये कहना भी गलत है कि सिर्फ मकान मालिक की ही गलती है, हो सकता है पुराने किरदार ने कुछ ऐसी भसड़ मचा कर रखी होगी कि उनको डर लगता है, बट चीज़ें सुधर जाएंगी, अपने को भी सुधरना है, लोगों को भी सुधारना है और चीज़ें बदल रही हैं। हाँ, दिक्कत तो होता है शूटिंग में, बट क्या है कि बिहार ने बहुत कुछ दिया है, अब बिहार को देना है और बिहार को बेहतर बनाना है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है जो आप मतलब वायरल कलाकार यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, मतलब इलाहाबाद या दिल्ली कहीं जा रहे हैं। हाँ। क्या ये बात सत्य है? ये ऐसा कोई बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़ी है कि क्या ये बात सत्य है। जाना चाहिए सबको अपने आप को ग्रो करने के लिए, घर छोड़ के जाओगे घर बनाने के लिए तो अच्छी बात है। अच्छा, तो उसी की तैयारी में जा रहे हैं कि बिहार छोड़ के जा रहे हैं, बिहार को कुछ देने के लिए। अच्छा, कि एक बड़ा नाम, बड़ा मुकाम अगर बने तो बिहार में कुछ ऐसा किया जाए जिससे छोटे एज में ही, छोटे उम्र में ही लोगों की प्रिपरेशन बड़ी अच्छी गाड़ी। परमानेंट बेसिस के, परमानेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, टेम्पररी बेसिस के लिए जा रहे हैं, ये मान सको? हाँ, देखिए ज़िंदगी में रिश्ते बहुत आते हैं बट माँ बाप को कौन रिप्लेस करता है, दैट इज़ बिहार इज़ लाइक माँ बाप फॉर अस। तो बिहार में जो आपकी टीम थी, जो टीममेट थी, तो फिर क्या कहना चाहिए, वो भी सारे आपके साथ जा रहे हैं? हाँ, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने फील्ड में जा रहे हैं, तो अभी डिसाइडेड नहीं है कि क्या सीन हो सकता है, बट ये है कि सबको बस ग्रो करना है। मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान बस ग्रो करे। अच्छा, तो जैसे ग्रो करना है, ये नहीं कि बिहार में रह के ग्रो करे, दिल्ली में रह के ग्रो करे, बट ग्रो करना है। कब तक उम्मीद है चले जाएंगे बिहार से आप?
ऐसे भगाने के लिए नहीं, भगाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, कब तक? देखिए चीज़ें सेटल हो रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली मई के लास्ट मंथ डे तक चले मई के लास्ट मंथ तक निकल जाएंगे यहाँ से। लास्ट जो हमारे व्यूअर, जो लाखों व्यूअर्स आपको देखते होंगे बिहार से, इलाहाबाद से, बहुत सारे आप वीडियो भी बनाए हैं और बहुत सारे वीडियो देखते हैं, इवन कि आर्मी वाले भाई साहब भी बहुत सारे आपके वीडियो देखते हैं, और उनको क्या कहना चाहते हैं? सोल्जर्स से देखिए बहुत भावनात्मकता वाली फील आती है, बहुत भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि देखा है लोगों को, सोल्जर्स की लाइफ को देखा है, बहुत करीब से सफ़र करते हुए देखा है। सभी कहते हैं कि हम हैं तो मतलब फ़ौजी हैं तो हम हैं, बट फौजी की लाइफ में भी अपनी समस्याएं हैं जिसका सॉल्यूशन वो रोज़ ढूंढते हैं आपकी रक्षा करते हुए भी। तो बहुत प्यार है लोगों का, और हमारे देश में वैसे भी फौजियों से काफ़ी मोहब्बत है, काफ़ी लोग चाहते हैं उन्हें। तो हम हमेशा चाहते हैं कि उस तबके की बात की जाए जिनसे लोग प्रभावित होते हैं, तो इसलिए हम बहुत प्यार से कभी भी 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो तो उनके लिए एक ट्रिब्यूट ही सही कुछ वीडियो बनाते हैं, और हमेशा से वो लोगों का प्यार भी मिलता है। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो आपको आइडल मानते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? नए नए यूथ हैं 18 साल 20 साल के हैं जो आपकी तरफ बनना चाहते हैं, निखरना चाहते हैं, क्या संदेश? ये सवाल मतलब ठीक है, कह सकते हैं, बट मेक योर चूज़ योर आइडल वाइजली, कि अगर आपको डॉक्टर की तैयारी करना है तो आप उज्ज्वल श्रीवास्तव का आइडियल मत बनाओ, पता चला फिर एक्टिंग करने लगोगे। तो मेरे ख्याल से जब आइडियल इंस्पिरेशनल एक आइकॉनिक पर्सनालिटी हम लोग जब रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसको बड़े ध्यान से चूज़ करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि उज्ज्वल ने ऐसा कुछ किया तो मुझे भी अब यही करना है। अब समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, कि आपको जो करना है उसके फील्ड के लोगों को आप इंस्पायर हो उनसे, किसी के लाइफस्टाइल से, किसी के सक्सेस से जल्दी प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसके मेहनत को भी जानना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इतना मेहनत हमसे हो पाएगा, या आपका कौन सा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें आप मेहनत कर लोगे और सक्सेस कर लोगे। तो काफ़ी अच्छा है, पहले अपने आप को ढूंढिए कि आपको क्या करना है और उसके हिसाब से आप इंस्पायर होइए, और अभी तो थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ एंड वे हैं जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं, तो अच्छा है, सब लोग आगे बढ़े, बस यही थॉट। अभी आप रेबल के प्रोग्राम से आ रहे हैं, कैसा लग रहा है और कहाँ से जुड़ाव है आपका, कहाँ तक जुड़ाव है रेबल से आपका? रेबल बहुत पहले से मेरे साथ रहा है, और एक्टिंग की शुरुआत एक्चुअली इसी इवेंट हेजिटेशनल रिमूवल प्रोग्राम से हुई, रेबल में रेबल से, और काफ़ी प्रभावित रहा कन्हैया सर के आइडियाज़ से, उनके मोटिवेशन से, बहुत इंस्पायर किया उन्होंने। मतलब ज़िंदगी में आप जितने भी लोग आएंगे वो स्पेस कोई नहीं छेड़ पाएगा जो कन्हैया सर के लिए मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में जो रिस्पेक्ट है। तो बहुत इंस्पायरिंग इन्वायरमेंट है रेबल का, और जो लोग भी अभी पढ़ते हैं यू आर बेस्ट इन रूम कह सकते हैं, कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अपने आप को इतना एक्सप्लोर करो, अपने आप को इतना आग रखो, तपाओ कि एकदम रिबेलियन वाला फील रखो, कि अगर कुछ है, कुछ तुम्हें करना है बस वो करना है यार, टॉपिक याद करना है, इंग्लिश स्पीकिंग करना है, या फिर लाइफ में कितना भी बड़ा काम करना, बी द रेबेलियन, जैसा कि सर का भी वो है, कोट्स है, रेबल इज़ बेस्ट और कन्हैया सर इज़, वो इतने लोगों की लाइफ इंस्पायर कर चुके हैं कि बस उनको देखने वर्ष लगता है यार ये इंसान इतना इजी, इतना सिंपली कैसे रहते हैं। जैसे खुद को लगता है कि हमने अपनी लाइफ बना ली, थोड़ी बहुत पहले से अच्छी है या ग्रो कर रहे हैं, उनको देख के लगता है इन्होंने कितने लोगों की लाइफ बनाई है और फिर भी कितने सिंपल रहते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे और बहुत प्यार है। बाकी आपने बहुत सारे ऐसे स्टेज में कहा है कि जो स्टेज प्रोग्राम में आपने कहा जो रेबल स्पोकन इंग्लिश से हमारी ज़िंदगी शुरुआत हुई, तो कब आप ज्वाइन किए रेबल स्पोकन इंग्लिश? 2015 के आसपास, और उस समय से अभी तक वही प्यार और वही इंस्पायरिंग वाइब्स मिलता है रेबल से कन्हैया सर। कितना दिन आपने इस यहाँ पर रेबल स्पोकन इंग्लिश में समय? 11th 12th, दो तीन साल, मतलब 10th के बाद ही आ गए रेबल? 10th के बाद ही रेबल आ गए। अच्छा, 11th 12th यहाँ पर बिताए? हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आए थे और फ्लुएंट भी हो गए, क्लाइंट्स जो फॉरेन के क्लाइंट्स होते हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जो भी आपकी प्रतिक्रिया आप वीडियो के नीचे में दे सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।